हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरे उन पेशेंट्स के लिए जो वेद धाम आयुर्वेदिक सेंटर से शुगर की मेडिसिंस मंगवा रहे हैं। आपके पास जो मेडिसिन आ रही है हमारी, उसमें मेडिसिंस हैं और एक कंसल्टेशन पेपर है। आप उस कंसल्टेशन पेपर को ध्यान से पढ़ें। उसमें हमने लिखा हुआ है कौन सी दवाई कब खानी है और कितने बजे खानी है, और साथ में ये लिखा हुआ है कि क्या आपने खाना है और क्या नहीं खाना है। उसे ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए हुए नंबर पर आप फ़ोन करें और हमारे वैद्य से बात करें। वो आपको समझाएंगे कि क्या चीज़ आपने कितनी मात्रा में खानी है। हर पेशेंट की वो चीज़ें अलग अलग हैं, खाने वाली और ना खाने वाली, तो इनका खास ध्यान रखना है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपसे करना चाहूँगा, हमारी दवाई लेने के बाद, ये आयुर्वेदिक दवाई है, आपके शुगर लेवल्स बिल्कुल डाउन आ रही हैं। जब वो नीचे आ जाते हैं तो आप एलोपैथी मेडिसिन अपने आप बंद कर रहे हैं, जो कि आप प्लीज़ ना करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके शुगर लेवल नॉर्मल आने के बाद आप हमारे वैद्य को फ़ोन करें या जिससे आप एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं वो उनसे मिलें, उनसे परामर्श लें और उनके सुपरविज़न में या हमारे सुपरविज़न में उन दवाइयों को धीरे धीरे बंद करें, एकदम बंद ना करें, ताकि आपको शुगर में बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलें। शुगर बिल्कुल हम कंट्रोल कर सकते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं, पर उसमें आपका रेगुलर हमारे साथ संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है। आपको ये कंट्रोल करने में 3 से 6 महीने लगेंगे। उसके बाद आप डाइट चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से अपने शुगर लेवल्स को नॉर्मल ले आएंगे। थैंक यू।